आपको हम जो हमारे पिछले हरूफ है उनकी दोहराई करवाऊंगी। सबसे पहले जी ज चे च हे ह खे ख दार द दार द दार द के बाद जो अगला हरफ आता है वो क्या है डार ड डाल की आवाज क्या है डार ड डार ड और सबसे पहले आते हैं डार ड डॉक्टर। आपको पता है डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर वो होते हैं जब आप लोग बीमार होते हो तो आप लोग किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। डॉक्टर आपको चेक करता है, फिर आपको अगर फीवर हो, बुखार हो या आपको कुछ भी कोई भी मसला हो तो डॉक्टर आपको चेक करता है। चेक करने के बाद आपको उस आपकी बीमारी के मुताबिक ही आपको मेडिसिन देते हैं और आपको समटाइम आपको अगर ज़्यादा फीवर हो तो आपको इंजेक्शन भी लगा देते हैं। और डॉक्टर की पहचान कैसे होती है? जब भी आप डॉक्टर को देखें ना, कि डॉक्टर ने व्हाइट कलर का कोट पहना होगा, तो डॉक्टर का जो ड्रेस होता है उसने ऊपर व्हाइट कलर का कोट पहना होता है और वो हमारे हमें चेकअप करने के लिए, हमें मेडिसिन देने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इज इट ओके? ये है डाडा डब्बा। क्या है डाडा डब्बा? डब्बा लाइक ये किसका डिब्बा? देखो आप सबको नजर आए कि पेंसिल का डिब्बा है। डब्बा जो होता है जिसमें वो ज़्यादा सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए उसको हम डब्बा बोलते हैं। अब पेंसिल है, ज़्यादा सारी पेंसिल्स होंगी तो वो तो आप लोग हाथ में पकड़ नहीं पाओगे, तो डब्बे के अंदर उन्होंने सारी पेंसिल आपको पैक करके दी होती है, महफूज करके। जैसे आप लोग कैंडीज लेने जाते हो तो क्या अंकल आपको कैंडीज सारी हाथ में पकड़ा देते? बिल्कुल नहीं, वो एक आपको डिब्बा देते जिस डिब्बे के अंदर ही कैंडीज होती हैं। तो जो भी किसी चीज़ को कवर किया होता है, पैक किया होता है, उसको क्या बोलते हैं? डब्बा। क्या बोलते हैं? डब्बा, डाडा डब्बा। ये क्या है? डाडा डॉल। डोल की दो किस्में होती है, एक डोल होता है प्लास्टिक का और एक डोल होता है स्टील का। और डोल का जो इस्तेमाल होता है वो होता है मोस्टली हम उसमें लिक्विड चीज़, जो जैसा कि ऑयल हो गया, जैसा कि दूध हो गया, जैसा कि अगर कोई शरबत वगैरह हो तो हम डोल में इस्तेमाल करते हैं, डोल में डालते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम इन चीज़ों के लिए करते हैं। ये क्या है? डाल डा डोल। इसके बाद अब हम डाल की लिखाई पे आएंगे। दाल की लिखाई के लिए जैसे हमने दाल की राइटिंग की थी, इसी तरह हम दाल की तरह ही उसकी फेस बनाएंगे। नुक्ते से शुरू गुलाई करेंगे, पहले एक स्ट्रेट वन की तरह लिखेंगे और उसके बाद हम उसको कर्व डाल देंगे। और दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन दाल के ऊपर एक छोटी सी तोएं होती है। क्या होती है? तोएं। अब इसी तरह यहाँ पे दाल की लिखाई भी है और सबसे पहले आप लोगों ने इसमें रंग भरने हैं। ये देखिए, अब डॉक्टर ने यहाँ पे कोट पहना हुआ है, इसमें आपने वाइट कलर करना है, ठीक है। बाकी आप उसके ड्रेस में कोई भी कलर कर सकते हैं, डब्बा में भी कोई भी रंग कर सकते हैं, डोर में भी कोई भी रंग कर सकते हैं। बाकी ये दाल की लिखाई है। इज इट ओके?